हेलो व्यूअर्स, अज आप इस वीडियो के गल करांगे रीड टू मी ऐप बारे। ये इंग्लिश विषय नाल संबंधित ऐप है जो कि पंजाब के सारे ही सरकारी स्कूलों के इसकी वरतों की जा रही है। तो इस ऐप के की आप फायदे ने उन्हां बेनीफिट्स बारे आप अज गल करते हैं। सब तो पहली गल तो यह है कि इस ऐप के जमात एक तो लैके 12वीं तक सारिया टैक्सट बुक्स अवेलेबल ने। किसी भी क्लास का बच्चा जो है टैक्सट बुक इतों रीड कर सकता है। ये पहला इसका बेनीफिट है। दूसरा फायदा इस ऐप का है वर्ड मीनिंग्स। किसी भी लैंग्वेज के वर्ड का मीनिंग इतने चैक कर सकते हैं, बच्चे इस चैक कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब बच्चों की जो शब्द भंडार है उसनों बढ़ाने के बहुत मददगार साबित हो रही है। इस तो अगला बेनीफिट है प्रोनंसीएशन रिलेटिड। विद्यार्थी जो है किसी भी शब्द का उच्चारण इस ऐप के देख सकते हैं। सो इस तरह वो अपने उच्चारण को इंप्रूव कर सकते हैं। नैक्सट बेनीफिट हैगा इस दे विच जो आप शब्दों के अर्थ देखांगे उन्हां दी पिक्चर्स भी अवेलेबल ने। किसी भी शब्द का जो बच्चा कोई मीनिंग चैक करने की कोशिश करता है तो उत्थे वो बच्चा उस शब्द नाल संबंधित तस्वीर भी देख सकता है। सो नैक्सट बेनीफिट हैगा स्पैलिंग्स। किसी भी शब्द की बिल्कुल एक एक लैटर नू प्रोनाउंस किया जाता है, स्पैलिंग्स बोल के जो है बच्चे नू दसी जाती है, तो सामने बच्चे नू दिखाई भी दिंदी है स्क्रीन के उपर। सो डबल बेनीफिट है, बच्चा पढ़ भी सकता है तो स्पैलिंग नू सुन भी सकता है। सो नैक्सट बेनीफिट हैगा रीडिंग स्पीड का। इस दे विच की है रीडिंग स्पीड का एक ऑप्शन हैगा, बच्चों के लैवल के अकॉर्डिंग आप रीडिंग स्पीड घट वध कर सकते हैं। मान लो आप सैकेंड क्लास के या फस्ट क्लास के बच्चे ने कुछ पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने अकॉर्डिंग उन्होंने लैवल के अकॉर्डिंग स्पीड घट की जा सकती है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो इस तरह जेकर आप प्लस टू के बच्चों रीड करवा रहे हैं तो थोड़ी स्पीड आप उसकी वधा सकते हाँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेनीफिट है। उस तो बाद है इस किसी भी पेज में जितों मर्जी चाहिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस एक ऑप्शन आती है स्टार्ट फ्रॉम हेयर। स्टार्ट फ्रॉम हेयर की ऑप्शन पर क्लिक करके जितों रीडिंग बंद हुई है उतों आप दोबारा उसको स्टार्ट कर सकते हाँ। नैक्सट बेनीफिट इस है कि ना मैगनीफाइंग ग्लास इस दिता हुआ है। ठीक है, उस मैगनीफाइंग ग्लास जेकर एक्टिव कर दें हाँ, एक्टिवेट कर दें उसू तो वर्ड जो है उस मैगनीफाइंग ग्लास के नज़र आता है बड़ा हो के अपने अकॉर्डिंग आप उसको छोटा या वड्डा शब्द को बच्चे को दिखा सकते हाँ। बच्चों के लैवल के अकॉर्डिंग क्लास के अकॉर्डिंग जिवें छोटिया जमातों जेकर आप पढ़ा रहे हैं इस ऐप तो मैगनीफाइंग ग्लास के जरिए आप शब्द का साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि बड़े शब्द जो है वो छोटे बच्चों से ज़्यादा प्रभाव पाते हैं। इस तरह जो आप बड़िया क्लासेज पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा जहा साइज छोटा किया जा सकता है। नैक्सट बेनीफिट इस है इस ना कोई भी लैसन है एक बार जो आप खोल लवेंगे तो कंप्लीट लैसन प्ले किया जा सकता है। पेज वाइज जो है इस प्ले होंगे ने, पहला जिमें लैसन वन आप प्लस वन क्लास का खोलिया पहला लैसन पहला पेज तो प्ले तो जो आप क्लिक करेंगे पूरे का पूरा पेज जो है अपने आप रीड ऐप कर देती है, बच्चों को सुनाई देता है। ठीक है, तो उस तो बाद नैक्सट पेज पर आप जा सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे प्ले करेंगे तो फिर पूरा जो है पेज अपने आप जो है रीड हो जाता है। ये बहुत बड़ा बेनीफिट इस है। नैक्सट इसका फायदा यह कि बच्चों को आप इस ऐप के जरिए होमवर्क भी दे सकते हाँ ताकि बच्चे घर बैठ के घर जाके भी वो इस ऐप नाल जुड़े रहन ते अपनी इंग्लिश नू इंप्रूव कर सकन। ते इस ऐप का होर जिहड़ा फायदा हैगा है वो हैगा लिसनिंग ते रीडिंग प्रैक्टिस, दोनों ही प्रैक्टिसिज जो है इकट्ठियां हो जांदियां ने। ठीक है, बच्चा जदों सुन रहा है ऐप ते ते नाल नाल वो पढ़ भी सकता है क्योंकि स्क्रीन ते सामने वो दिखाई दिंदा है। सो दोनों ही स्किल्स जो है इक्को टाइम ते इस ऐप के जरिए डिवेलप कीतिया जा सकदियां ने। ते सरकारी स्कूल दे विच टीचर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं इस ऐप के जरिए बच्चों की रीडिंग ते अपना लिसनिंग स्किल्स नूं डिवेलप कर रहे हैं। इस तो बाद अगला इसका बेनीफिट हैगा अपने कोल, सब तो बड़ा सवाल आता हैगा इसका स्कूलों के ऐप नूं आपां किवें यूज़ करिए। बहुत प्रॉब्लम आती है, टीचर्स कहते भी टाइम टेबल दे विच इसनूं एडजस्ट नहीं किया किया जा सकता, बड़ा औखा होंगे भी किमें अलग तो आप टाइम टेबल बनाइए। ये बड़ा सौखा जहा तरीका जो है इसका हैगा अध्यापकों भी ये गल मतलब बहुत लाहेवंद होगी जेकर इस वीडियो में पूरा जो है सुनिया जाएगा देखा जाएगा। तो वह तरीका की है
देखो सारे स्कूलों के अपने ना लिसनिंग लैब्स बनिया हुई हैं, तो टाइम टेबल के अपन ने एक पीरियड जो है लिसनिंग लैब का हरेक क्लास का देना होंगे एक हफ्ते के विच। तां उस दौरान जो क्लास जो लिसनिंग लैब के बैठी हुई है उस समय अपन ने की करना है अपने मोबाइल नाल जो है उस जो अपना उसके एम्पलीफायर अपने को है लैब्स के उस नाल कनैक्ट कर लेना ब्लूटूथ के जरिए, तो अपनी जी टीचर एडिशन है टीचर डैशबोर्ड कह लो उस तो जो इसको प्ले कर लो, कोई भी लैसन जो है बच्चों उत्थे बिठा के आप सुना सकते हाँ। तो ना तो अपना मतलब लिसनिंग लैब का पीरियड भी हो जाता है तो नाल ही जो है रीड टू मी ऐप की वरतों भी बड़ी आसानी नाल हो जाती है। साढ़े स्कूल के विच असी इस तरह कर रहे हैं। मेरा जो स्कूल है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाबी गुजरा है जो कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट के विच पैंदा है, ठीक है। तो ऐसे स्कूल के विच असी इस तरह यूज करते हैं, असी स्कूल के विच दो टीचर्स हाँ, ठीक है। तो हरेक क्लास के दो दो सैक्शन है हाई स्कूल है, तो हरेक क्लास का जो है असी वंडिया होया है जिवें बुधवार तो वीरवार दो दिन रखे हुए हैं। एक दिन पांच दे पांच सैक्शंस मेरे वाले जो लैब दे विच जांदे ने असी रीड टू मी ऐप प्ले कर दिंदे आ, बच्चे उत्थे ही सुन लेंदे ने, ठीक है जी। एक दिन जो है जो दूसरे टीचर ने साथी अध्यापक मिस्टर देवी चंद जी ने वो भी इसे तरह नैक्सट डे उन्हां दा हुंदी है क्लास लिसनिंग लैब दे विच बच्चे नूं लैके जांदे ने ते अपने मोबाइल नूं कनैक्ट करके वो प्ले कर दिंदे ने। सो ये बहुत ही सौखा तरीका है। इस तो बिना क्लास का जो नॉर्मली अपना पीरियड हैगा शेड्यूल दे विच हैगा उस दौरान भी आप अपने प्रोजैक्टर से जो है इसनों दिखा सकते हैं, प्रोजैक्टर से प्ले कर सकते हैं, प्रोजैक्टर से दिखाओ बच्चों तो बड़ी आसानी आप इसकी वरतों कर सकते हैं, बच्चों इसका फायदा जरूर होंगे है। एक होर ध्यान रखने वाली गल इस ऐप की वरतों करते समय हैगी है, वो हैगी इसको अपडेट करना होंगे है समय समय से, 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक बार जो है अपडेट जरूर कर दिया करो, तो उस नाल जो है ये रिकॉर्ड हो जाता है कि आप स्कूल के विच इस ऐप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। एक होर जाते जाते मैं एक फायदा इसका होर दस दिना, जदों इस दे जिहड़े 3 एडिशन अवेलेबल ने अपने कोल, ठीक है, स्टूडेंट एडिशन अलग है, स्कूल एडिशन अलग है, तो एक जो है टीचर डैशबोर्ड है। जिहड़े बच्चे ने स्कूल दे विच तां आपां वरतों करवावांगे ऐप दी, बच्चे पढ़नगे, तो इस तों बिना घर दे विच भी जाके बच्चे अपने फोन तों जो है स्टूडेंट एडिशन खोल के घर जाके भी इसकी वरतों कर सकते हैं। सो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि रीड टू मी ऐप जो है ये बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रीहैशन इस नाल इंप्रूव होंगी है, वोकैब बच्चों की इंप्रूव होंगी है, प्रोनंसीएशन भी इंप्रूव होंगे है, तो स्पीकिंग ते रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंदिया ने। सो मैं रीड टू मी ऐप दे जो इसके ओनर्स ने ते अपने विभाग महकमे का भी धन्यवाद करता हाँ जो इस ऐप नाल जो है टाई अप अपना होया है, तो अपने स्कूल दे विच पढ़ रहे सारे बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं। सो उम्मीद करता हाँ इस ऐप बारे सारे बेनीफिट्स अपन पता लग गए होंगे। सो इस वीडियो में वो तो शेयर करना ताकि सारे ही स्कूलों के इस ऐप में होर भी वधिया तरीके आप यूज कर सकी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।